हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीवीटो। वेल, आज मार्केट क्लोज हो चुका है। आज अपना फ्राइडे था और अब सीधा मार्केट हमारा जो है मंडे के दिन ओपन होगा। सो आज का क्या घटनाक्रम रहा, कैसा क्या आज का मार्केट का हाल रहा, तो वो सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और मंडे के दिन क्या मार्केट का रिस्पॉन्स हो सकता है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, राइट? तो बन रही है इस वीडियो के अंदर। वेल, अगर हम देखें तो आज सेंसेक्स लगभग 51,000 से नीचे क्लोज हुआ है, और अगर निफ्टी की बात करें तो काफी नीचे चला गया था, बट फिर भी इन दी एंड जाके 15,000 के लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया, यानी कि 15,000 के लेवल को टच किया, उसके नीचे भी गया, बट इन दी एंड ऑफ दी मार्केट वो अपने 15,000 लेवल से ऊपर ही क्लोज हुआ है। सो एक पॉजिटिव साइन भी कह सकते हैं। एंड अगर बात करें आज, तो बजाज ऑटो, हिंडालको, SBI, ये सब जो है आज मोस्ट लूजर की कैटेगरी में थे, राइट? तो मार्केट को ले जाने में कहीं ना कहीं ये सारे ही जो स्टॉक्स हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल है कि मार्केट में ये सारे लोग रेड में थे, इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से रेड रहा है, राइट? सो चलते हैं हम चार्ट की तरफ, देखें कैसा चार्ट का हाल है। तो अगर चार्ट में देखें सो एक बहुत बड़ी आज की जो रेड कैंडल है बता रही है कि काफी बेयरिश डे था आज का, राइट? और आज देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बेयरिश कैंडल बनी है, और इसने नीचे बिक भी दिख रही है, और ये भी हमें बता रही है कि इसने नीचे 15,000 के लेवल को भी ब्रेक किया था, बट इन द एंड ऑफ द डे ये अपने 15,000 के लेवल से ऊपर ही जाके क्लोज हुई है, राइट? वेल, सो अब क्या लगता है क्या हो सकता है मंडे के दिन? अगर हम मंडे की बात, आज का तो हो गया सो हो गया, मंडे के दिन क्या हो सकता है? सो अगर मंडे की हम बात करें सो देखें, ऊपर तो रेजिस्टेंस है, अगर हम देखें यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है जहां से ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और गिरता ही चला गया, राइट? एंड अगर हम देखें तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था जो कि इसने उसको भी ब्रेक करके नीचे, सपोर्ट था पहले लेकिन रेजिस्टेंस बन गया, उसके बाद इसने उसको भी ब्रेक के नीचे आ गया है। और अब कहीं ना कहीं एक लेवल जो है लगभग 14,900 का एक लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और साथ में एक और है जो 15,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। दो नीचे के लेवल पे एक दो सपोर्ट है जो कि एक 15,000 का, दूसरा 14,900 का एक सपोर्ट है। अगर मंडे के दिन मार्केट 14,900 के नीचे ओपन होता है तो एक डाउनवर्ड रैली हमको देखने को अगेन मिल सकती है, राइट? और अगर मार्केट 14,900 के ऊपर ही ओपन होता है, यानी कि 15,000 के ऊपर ही ओपन होता है, तो मैं मानता हूं कि साइडवेज होगा, राइट? क्योंकि ऐसा जनरली देखा जाता है कि जितने भी बड़ी कैंडल्स बनी है आप देखेंगे सभी के बाद एक साइडवेज मूव जरूर देखने को मिला है, राइट? एक बड़ी रेड रेड कैंडल बनी जो उसके बाद एक साइडवेज मार्केट चला, यहाँ एक कैंडल बनी उसके बाद साइडवेज मार्केट चला कुछ दिन तक, राइट? तो एक बड़ी कैंडल के बाद एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिलता है, तो जैसा कि आज हमने बड़ा मूव देखा है तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि एक साइडवेज मार्केट हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकती है अगर मार्केट 15,000 के लेवल को ब्रेक ना करके उसके ऊपर ही ओपन होता है, और साथ में यहाँ लगभग 15,200-250 के नीचे, यानी कि 15,000 से लेके 15,200 के बीच में अगर कहीं ओपन होता है मार्केट तो हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, राइट? और अगर वहीं पर 15,000 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो एक डाउनवर्ड रैली अगेन हमको देखने को मिल सकती है, राइट? तो ये है टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ निफ्टी 50। हम बात करेंगे अब ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन के अंदर क्या ऐसा सिनारियो बन रहा है, राइट? तो अगर हम ऑप्शन चेन के अंदर देखें तो मार्केट क्लोज हो चुका है, ये आफ्टर दी मार्केट ऑप्शन चेन है, और यहाँ हम देखेंगे कि पुट के अंदर बाइंग का ज्यादा प्रेशर है, यानी कि बाइंग काफी की गई है, ऑप्शन की बाइंग की गई है, यानी कि एक पुट की तरह ऑप्शन की बाइंग की गई, तो एक साफ संकेत यहाँ से दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक बेयरिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर हम कॉल की तरफ देखें तो कॉल की तरफ ऊपर साइड हमें राइटिंग देखने को मिली है, और राइटिंग से साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं राइटर चाहते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, राइटर्स को लगता है, और इसलिए राइटिंग की गई है, और जिसकी वजह से लगता है कि अब कहीं ना कहीं मार्केट डाउन जाने की उम्मीद है, राइट? सो एक बाइंग का एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो कि बताता है कि मार्केट को डाउन ले जाना है, और ऊपर की तरफ राइटिंग का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने से काफी रुकावटें आने वाली है, राइट? तो ऊपर जाने के लिए चांसेस कम है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। और अगर हम ओवरऑल अगर देखें कि कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं पुट के अंदर कॉल के अंदर, तो अगर हम देखें कॉल के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है इतना है, वॉल्यूम नहीं देखते हम यहाँ, देखते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं ओपन इंटरेस्ट, तो लगभग 5,63,738 ये ओपन इंटरेस्ट है जो कि कॉल के अंदर बिल्डअप हुआ है। अगर हम वहीं पर देखें ओआई के अंदर, तो ओआई के अंदर हम देखें 3,22,007
का जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो पुट की तरफ ओआई क्या है, कम है, और कॉल की तरफ ओआई ज्यादा है। सो इससे एक और साफ संकेत जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा राइटिंग जो की गई है कॉल की तरफ की गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि हमें एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकती है, राइट। और ऐसा मान सकता हूं कि मंडे के दिन जो शुरुआती मार्केट है, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, लिटिल बिट गैप डाउन ओपन हो, एंड अगेन डिपेंड करता है वर्ल्ड मार्केट के ऊपर कि वर्ल्ड मार्केट का क्या सिनेरियो होने वाला है, वो तो मंडे तक ही पता चलेगा। बट फिर भी ऑप्शन चेन को देखते हुए, डाटा को देखते हुए, हम इतना कह सकते हैं कि मंडे के दिन एक स्लाइट डाउनवर्ड मार्केट हो सकता है, उसके बाद भले ही मार्केट फिर करेक्शन दे और उसके बाद मार्केट साइडवेज चले जाए, जैसा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है साइडवेज जाने का, राइट, क्योंकि एक लंबी मूव हमको आज देखने को मिली है। वेल, तो डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट डाउन जाना है और ऑप्शन चेन भी वही बोल रहा है, ऑप्शन राइटिंग भी वही बता रहा है, टेक्निकल चार्ट भी हम देखें तो टेक्निकल चार्ट में भी हमें वही चीज देखने को मिल रही है, राइट, कि एक नीचे की तरफ थोड़ा सा बेयरिश सिग्नल है। बट फिर भी अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़ी कैंडल बनी है तो मार्केट हमें साइडवेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और शुरुआत में थोड़ा सा एक गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है फिर ये गैप साइडवेज चले। सो देखते हैं मंडे के दिन क्या होने वाला है, वर्ल्ड मार्केट के अकॉर्डिंग चीजें फिर सिनेरियो अलग क्रिएट होता है। सो अभी तक का डाटा कहता है कि बेयरिश है और ऊपर जाने के चांसेस कम है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बेयरिश सिग्नल हमें दिखाई देता है। सो अगर ऐसा है और अगर वैसा ही अगर मार्केट मंडे के दिन रिएक्ट करता है, सो पुट की तरफ ज्यादा प्रेफर करें, यानी कि पुट की तरफ बाइंग ज्यादा होनी चाहिए और कॉल से थोड़ा सा दूर रहें। दैट इज माय फर्स्ट एडवाइस, एंड सो देखते हैं मंडे के दिन क्या होने वाला है। सो अभी तक की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स और ऑप्शन चेन एनालिसिस की सारी चीजें मिला के एक कंक्लूजन देते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो क्रिएट होने वाला है, राइट। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।